बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। महिलाओं को अक्सर शुरुआती प्रेगनेंसी में पेट में ये सारी समस्याएं होती हैं जिससे कि प्रेगनेंसी का पता चलता है उनको। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी रुकती है गर्भाशय का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि गर्भ में अब बच्चा आरोपित हो चुका है। अब जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ेगा आपके गर्भाशय का भी आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो पेट के निचले हिस्से में आपको काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगेगा, दबाव महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि पेट के निचले हिस्से में कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, वस्तु रखी हुई हैं जिसकी कि भारीपन आपको महसूस हो रहा है। तो पेट के निचले हिस्से में दबाव या भारीपन महसूस होना ये प्रेगनेंसी रुकने के बाद से हो जाता है। ये पहले महीने से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा नोटिस करते हो अपने बॉडी को, छोटी से छोटी बदलाव भी आप तुरंत पहचान लेते हो तो ये भारीपन आपको महसूस होगा। कई महिलाओं को लूज मोशन होने लगता है, मतलब कि दिन में 2 से 3 बार टॉयलेट जाना, लूज मोशन होना, ये भी प्रेगनेंसी के कारण ही होता है। तो बहुत सारी महिलाएँ सोचती हैं कि सिर्फ कब्ज ही अगर प्रेगनेंसी का कारण होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। कई महिलाओं को कब्ज की समस्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वहीं कई महिलाओं को लूज मोशन होने लगते हैं। तो अगर लूज मोशन अचानक हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 दिनों में या 1 हफ्ते में लूज मोशन हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का ही एक कारण हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन भी होता है। कॉन्स्टिपेशन इस वजह से होता है कि कई महिलाएँ जो है जंक फूड ज़्यादा खाने लगती हैं या फिर गर्भाशय का जो है वो पाचन क्रिया पर दबाव पड़ने लगता है, इस वजह से भी पाचन क्रिया जो है वो स्लो होने लगता है, मतलब कि धीरे धीरे काम करने लगता है। तो इस वजह से आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगेगी। पेट में कभी कभी दर्द होना, कई महिलाओं को तो पेट में 3 से 4 दिनों तक लगातार दर्द होता है, वो पहचान नहीं पाती हैं कि हो क्यों रहा है। अब ये प्रेगनेंसी के कारण होता है। वैसे तो इम्प्लांटेशन के दौरान हल्का सा आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर पेट में कहीं भी दर्द हो रहा है या फिर सीने के नीचे हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में हो रहा है या पेट के किसी भी साइड में आपको दर्द हो रहा है, तो ये गैस बनने के कारण होता है। अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी में गैस तो बनती ही रहती है, ब्लॉटिंग्स होते रहते हैं पेट में, ये भी प्रेगनेंसी का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। लेकिन कई बार गैस इतना बढ़ जाता है, इतना बनने लगता है कि इस वजह से पेट में दर्द होने लगता है। तो इसका कारण क्या है मैंने बता दिया। उपाय ये है कि आपको चलते फिरते रहना है, पानी ज़्यादा पीना है और ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। उसके बाद अगर पेट में दर्द ज़्यादा बन रहा है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पेट में दर्द जो है वो सहना सही नहीं होता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन जो है वो देंगे और पेट के दर्द को रोकने के लिए, पेट के दर्द से रिलीफ पाने के लिए वो मेडिसिन वगैरह देंगे जिससे कि आपको रिलीफ होगा। तो अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं पेट में, ये प्रेगनेंसी के कारण ही होता है, चिंता की बात नहीं है। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। धन्यवाद।